बढ़ते हैं आगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही से आज पांचवी बार पूछताछ हो रही है। मामला 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का है। नोरा पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने का आरोप है। एक्ट्रेस नोरा फतेही और पिंकी ईरानी भी दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के दफ्तर पहुंची हैं। इस केस में चार और एक्ट्रेस से पूछताछ हो सकती है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेकर मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी। आज नोरा फतेही उनके सामने पेश हुई। दिल्ली पुलिस ने पिंकी ईरानी, जो कि सुकेश चंद्रशेखर और नोरा के बीच की जो बीच की कड़ी थी, उनको भी पहले से बुला रखा था। नोरा को दरअसल 11:30 बजे आना था, लेकिन फ्लाइट डिले के कारण वो 12:30 के बाद पहुंची और कई घंटों की पूछने के बाद आखिरकार नोरा दिल्ली पुलिस के पास से जा सकेंगी। इस पूरे मामले की कड़ी 2020 के दिसंबर से जुड़ी हुई है, जब नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की एक कंपनी के नाम पे एक इवेंट किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक उस इवेंट के बाद से ही सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा से नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश की और कई महंगे गिफ्ट भी दिए। उसी बीच सुकेश ने नोरा को एक BMW कार भी देने की बात की थी, जिसे नोरा ने व्हाट्सएप पे मना तो कर दिया था, लेकिन ये कार नोरा के एक करीबी शख्स के नाम पे रजिस्टर हुई थी। दिल्ली पुलिस की जांच